भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा कहर बरपाया है कि इसका मुकाबला करने के लिए जरूरी साजो सामान भी कम पड़ गया है। वायरस के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली दवाइयों और वैक्सीन के लिए जरूरी कच्चे माल की भी कमी हो गई है। भारत में रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की मांग में कई गुना इजाफा होने से इसे बनाने वाली कंपनियों के लिए भी कच्चे माल का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है। रेमडेसिविर का घरेलू उत्पादन एक महीने में 10,000 से बढ़ाकर तकरीबन 3.50 लाख डोज रोजाना होने पर भी घरेलू मांग पूरी नहीं हो पा रही है। इसकी निर्माता कंपनी गिलिड साइंसेज ने पहले कहा था कि वो 4.50 लाख डोज भारत को देगी, लेकिन उसकी तरफ से अभी तक 1.75 लाख डोज आ पाई हैं। गिलिड साइंसेज के मिस्र, यूएई और बांग्लादेश में मौजूद प्लांट्स में भी कच्चे माल की कमी है। रेमडेसिविर और टुसली जुमाव जैसी दवाइयां कम मात्रा में बनती हैं, इसलिए अचानक मांग बढ़ने के बावजूद उनका उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। अनुमान लगाया जा रहा है कि जून के मध्य तक ही इन दवाइयों की निर्माता कंपनियों के पास कच्चे माल की सप्लाई हो पाएगी। हेल्थ एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि इस बार कोरोना की लड़ाई दवाइयों की कमी से कमजोर पड़ी है। जिन देशों में कोरोना में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का निर्माण होता है, वहां की सरकारें भी भारत जैसे हालात से तैयारी के लिए दवाइयों को जमा कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत से जुड़े तमाम ऐलानों के बावजूद फार्मा सेक्टर में कच्चे माल के लिए भारत आज भी चीन पर निर्भर है। सिडेस्को के मुताबिक दवा उद्योग में चीन पर भारत की निर्भरता कम नहीं हो पा रही है। बीते साल भारत को 72% से ज़्यादा कच्चा माल चीन से मंगवाना पड़ा। पिछले 3 सालों में कच्चे माल के लिए भारत की चीन पर निर्भरता लगातार बढ़ी है। दुनिया भर में 80% तक जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने वाला भारत कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर है। 2018 में 66.53%, 2019 में 72.40% और 2020 में 72.15% कच्चा माल चीन से आयात हुआ है। हालांकि सरकार भले ही आत्मनिर्भर मिशन में चूक गई हो, लेकिन इस बार भी कोरोना की पहली लहर की तरह लोगों ने जमकर जरूरतमंदों की मदद की है। चाहे ऑक्सीजन की कमी हो या देखरेख की जरूरत, समाज सेवियों और संस्थाओं ने जमकर काम किया है। लेकिन इस मदद के साथ साथ दवाओं की भी बहुत जरूरत है। उम्मीद है कि अमेरिका जैसे देश जहां पर बड़ी आबादी को टीका लग चुका है, वो कच्चा माल जमा करने की जगह भारत को देने में दरिया दिली दिखाएंगे और भारत की कोरोना से जारी जंग को मजबूत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।